वहां पे कहती हैं कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है ये प्रदेश की 70 लाख आवाम चुनकर वहां पर बेचती है, ये कोई समाज में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है ये जनता का तिरस्कार कर रही है। जनता ने अपना कीमती मत देकर वीरभद्र सिंह जी को 22 साल हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, ये जनता का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर ले, 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद मुंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी, हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि 1 महीने का कैंपेन हुआ, 1 बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है, क्या वो हमारी महिलाओं के लिए करना चाहती है, क्या वो हमारे इलाके के सड़कों के बारे में करना चाहती है, क्या वो हमारे टूरिज्म के बारे में कहना चाहती है, उस बारे में 1 शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, केवल और केवल मोदी जी का गुणगान करते रहती है। और उस गुणगान को करते करते जो इन्हीं के पहले के नेता रहे, हमारे पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी उन्होंने तिरस्कार किया, कहा कि 2014 में आजादी मिली। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनका भी योगदान देश के अंदर है। पूर्व में कई हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री भी हिमाचल में रहे, धूमल साहब रहे, शांता कुमार जी रहे, उनका भी योगदान हिमाचल प्रदेश के निर्माण में रहा है। इस तरीके से जो आपने तिरस्कार किया है, ये हिमाचल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और खास करके जो देव समाज के साथ आपने खिलवाड़ किया है, ये बात आज हमारे देव समाज के लोग, आज आरएसएस के लोग, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपका जो खान पान है, आज आप उसके साथ मंदिरों में जा रही हैं, आप हमारे देव समाज के ऊपर जो प्रहार कर रही हैं, ये चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और तो आप हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलती हैं और कहती हैं कि मैं ही जो है वो अंतर्यामी हूं और मेरी वजह से ही ये सब चीजें हो रही है, और दूसरी जगह जो आपके खाने की वजह से, आपके जो सेवन जो आप जिन चीजों का करती है उसकी वजह से जो हमारे सनातन पे, हमारे देव समाज पे जो प्रहार हो रहा है, जो उसकी आहुति चढ़ रही है, ये चीज खास करके कुल्लू जिला के हमारा देव समाज कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए दिए। वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने कुल्लू में देव सदन का निर्माण करवाया। वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने कुल्लू में जितने भी हमारे देव समाज के हमारे देवता आते हैं उनको नजराने देने की प्रथा शुरू करी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम उस परंपरा को कायम रखेंगे, विकास भी होगा और विकास के साथ साथ देव नीति को आगे बढ़ाने का कार्य भी हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि हमारी आस्था जो हमारे देव संस्कृति के प्रति है वो केवल चुनावों की नहीं है, जिस तरीके से ये ढोंग करती हैं, हम हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति हमारा इतिहास है, और उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा सेंट की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। सेंट की जनता को, बनोटी की जनता को, ब्लोगी की जनता को, जोर से दोनों हाथ खड़ा करके, ब्लोगी की जनता को, ब्लोगी की जनता को, जय हिंद, जय माता। और एक